ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले ठाकुर जी का हाथ जोड़ करके जय बोलना है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। जय बोलो श्री नंद बाबा जी की, यशोदा मैया की, कृष्ण कन्हैया की, नंद गाम धाम की, पावन सरोवर की, गुरुजी महाराज की। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो राधे राधे। एक बार ताली बजा के हंसेंगे सब लोग, आ हा हा। जो भगवान कृष्ण के धाम में हंसेगा, संसार में सुखी रूप से घर बसेगा। सुनिए सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तीन लोक तीरथ नहीं और जैसी ब्रिज की धूल, लिपटी देखी अंग सो तो भाग गए यमदूत। जहाँ जिस भूमि में बैठे हैं, इसी भूमि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। नंगे पैर गाय चराई, ग्वाल बालों के साथ प्रभु खेले हैं, तो इस रज के कण कण में राधा और कृष्ण का वास है। ये 84 कोस में राधा और कृष्ण की लीला स्थली है, इसको ब्रिज भूमि कहते हैं। जहाँ आप लोग बैठे हैं, ये पावन सरोवर, हमारे यहाँ 56 तीरथ हैं। जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीला हुई है, वहीं पर संत महात्मा मयूर बंदर लता पता भगवान का दर्शन मिलेगा। तो ये सब तीर्थों का राजा है पावन सरोवर। देखो, पावन माने पवित्र है। भगवान कृष्ण को मैया यशोदा और नंद बाबा गोदी में लेके इस सरोवर में स्नान कराते थे। तो एक दिन नंद बाबा जी की इच्छा हुई कि तीर्थों के राजा प्रयागराज को स्नान करने की इच्छा होती है। तो वो कन्हैया से कहते हैं, लाला कन्हैया तुम ठीक से रहना, हम प्रयागराज स्नान को जाते हैं। तो ये जिस दिन उनका वातावरण हो रहा है, अक्षय तृतीया के एक दिन पहले की ये बात है। तो भगवान कृष्ण बोले, बाबा आप जा तो रहे हो, आज का दिन आपका जाने का ठीक नहीं है। ऐसा करो, कल जो है आप लोग यहाँ से प्रस्थान करना और तब जो है आपको जाना है। दूसरा दिन जो था वो अक्षय तृतीया वाला दिन। तो लाला को स्नान के लिए यहाँ पर नंद यशोदा आए, तो तीर्थों के राजा प्रयागराज यहाँ स्नान के लिए आते हैं। उनका बहुत कुरूप चेहरा रहता है। वहाँ जितने भी भक्त लोग जाके स्नान करते हैं, उनका जो पाप उसमें धुलता है, तो उनका स्वरूप के अंदर आ जाता है, उनका रूप कुरूप हो जाता है। तो वो अक्षय तृतीया वाले दिन यहीं पर आए स्नान को। तो नंद बाबा कहते हैं, बेटा कन्हैया ये व्यक्ति कौन है, इसका बड़ा कुरूप चेहरा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बाबा जहाँ तुम स्नान को जा रहे हैं, ये वही प्रयागराज है। ये स्वयं इस सरोवर में स्नान के लिए आया है। देखो बाबा, सारे तीर्थ हमारे ब्रज में हैं, सारे देवता हमारे ब्रज में हैं, तुम कहाँ जाओगे। ये स्वयं प्रयागराज यहाँ स्नान करते हैं, उनका दिव्य स्वरूप होता है और वो अपने स्थान को चले जाते हैं। इसका नाम है पावन सरोवर। इसमें बाहरी पानी नहीं जाता है कहीं से। देखो, एक बूंद अपना आचमन के रूप में जरूर लें, समझे नहीं। तो यहाँ नंद बाबा जी के नाम से ये नंद गांव बसा हुआ है। नंद बाबा का पहला गांव पुराना, वो गोकुल में रहते थे। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो कंस की जेल के अंदर मथुरा में हुआ। वसुदेव जी ने जन्म लेने के बाद में यमुना नदी को पार करके नंद यशोदा के घर में पहुंचा दिया।
वहां से योग माया नाम की लड़की को कंस के लिए दिया था, क्यों कंस से वादा किया था हमारे जो भी संतान होगी हम आपको देते जाएंगे। तो जैसे ही योग माया को कंस मारना चाहा तो उससे हाथ से छूटकर आकाशवाणी दे दी, दुष्ट तू मेरे को क्यों मार रहा है, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। तो सबसे पहले पूतना नाम की राक्षसी को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा था कंस ने, वो अपने स्तनों से जहर लगा के भगवान कृष्ण को दूध पिलाने आई, तो दूध के साथ में भगवान कृष्ण ने उसके प्राणांत किए, उसको माँ की मुक्ति प्रदान हुई थी। राक्षस कुल में जन्म लिया और ठाकुर जी ने उसको माँ की मुक्ति की सेवा दी है। तो दूसरा शक्तासुर नाम का राक्षस बैलगाड़ी के रूप में आया था। तीसरा तृणावर्त जो तूफान के रूप में आया। चौथा बकासुर जो बगुला पक्षी का रूप धर के आया। तो भगवान चारों राक्षसों को गोकुल में मार दिया। फिर नंद बाबा कहने लगे ये स्थान हमारे रहने के लायक नहीं है, अब इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, हम अपने लाला को किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले चलते हैं। तो राधा जी के पिताजी थे वृषभान राजा, उनके साथ में मित्रता है नंद बाबा की। जब कोई कष्ट का समय आता है तो वृषभान राजा के साथ में नंद बाबा की बातें हुई कि देखो हमको 85 साल की अवस्था में प्रभु ने एक बालक दिया है और कंस रोजाना इसको मारने के लिए राक्षस भेजता है, हमको कोई ऐसा सुरक्षित स्थान बताओ जहाँ पर हम इसका पालन पोषण कर सकें। तो वृषभान राजा ने कहा मेरे राज्य की सीमा में नंदीश्वर नाम का पर्वत है, यहाँ सांडिल मुनि का श्राप दिया हुआ है, जो भी कंस का राक्षस या कंस स्वयं भी आएगा तो यहाँ पाषाण पत्थर बन जाएगा। तो कंस ने हाऊ बिलाऊ नाम के राक्षसों को भेजा, भगवान को मारने के लिए भेजा था। हाऊ बिलाऊ ये यशोदा कुंड की तरफ में दर्शन है, ये राक्षस थे और नंदगांव में आते ही छोटे छोटे बच्चों पर प्रहार करने लगे। ग्वाल बाल दौड़ करके नंद बाबा के पास में गए, बाबा आज तो हमारे गांव में राक्षस आए हुए हैं, वो छोटे छोटे बच्चों पर प्रहार करते हैं। तो वहां भगवान कृष्ण सुन रहे थे तो मैया यशोदा ने कहा बेटा कन्हैया आज नंद भवन से बाहर नहीं जाना। क्यों मैया? वन की इसलिए तुम्हारे मामा कंस ने राक्षसों को भेजा है, वो तुमको मार देंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया मैं ग्वाल बालों के साथ में गैया चरावे के लिए बड़ी बड़ी दूर वन में जाऊं, मैंने बड़ी बड़ी लीला करी है लेकिन मैंने हाऊ बिलाऊओं को कभी देखा नहीं, मैं जरूर देखूंगा। वो बाल हटती है, माँ कहती है कि नंद भवन से बाहर नहीं जाना है और भगवान कृष्ण बाल हट करते हैं, मैया मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि दुष्टों के संहार के लिए ही उनका जन्म हुआ था। तो ग्वाल बालों के साथ में जब तक वहां गए तो उनका पाषाण पत्थर का रूप बन गया। मैया यशोदा बोली दूर खेलन मत जाओ कन्हैया हाऊ आए हैं, और तब उठ बोले कान मैया ये किन्ने पठाए हैं। भगवान कृष्ण पूछते हैं इन राक्षसों को किसने भेजा है मेरे मारने के लिए मैया से, तो मैया कहती हैं तुम्हारे मामा कंस ने इनको भेजा है। बन बन गाय चराऊं तहां न देखूं हाऊ, और बैठ पताल काली को नाचो मैया मैंने माऊ नहीं देखो हाऊ। तो वहां यशोदा कुंड पे हाऊ बिलाऊ का आज भी दर्शन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज में तीन पर्वत रूप में देवता वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का पर्वत श्री राधा जी के धाम बरसाना में, जिनके चार मुख हैं पर्वत के।
पहला जहाँ राधा रानी का दर्शन करते हैं उसको बृषभानगढ़ बोलते हैं। उसके आगे मानगढ़ है जहाँ ब्रज गोपियों ने ठाकुर जी का मान बढ़ाया है, और तीसरा दानगढ़ है। ब्रज गोपियों से ठाकुर जी दही का मक्खन का दान लिया था, उसको दानगढ़ बोलते हैं। एक है बिलासगढ़ जहाँ राधा जी के साथ में और रास बिलास किया था, उसका नाम बिलासगढ़ है। और उसके आगे गोवर्धन पर्वत, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, विष्णु भगवान का, और नंदगांव में भगवान शिव का नंदीश्वर नाम से ये पहाड़ी है। 9 साल 49 दिन ठाकुर जी की लीला हुई। 7 साल की उम्र में गिरिराज पर्वत को उंगली पर धारण किया था। 7 रोज और 7 दिवस इंद्र ने झड़ी लगाई और बाएं नख पे गिरवर धार्यो ब्रज पे बूंद ना आई। एक बार स्वयं जो हमारे ब्रजवासी थे वो इंद्र देवता की पूजा किया करते थे, तो इंद्र को कुछ अहम भाव आया कि मैं देवताओं में सबसे बड़ा देवता हूँ। तो भगवान का जन्म होते ही इंद्र के मान को घटाया है, वर्षा हुई और कोई असर नहीं हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ इस सरोवर में स्नान का, छीटा लगाने का, आचमन करने का बड़ा भारी महत्व है। सब लोग करके और नंद भवन के दर्शन के लिए चलेंगे। और देखो दर्शन में वहाँ मंदिर पर कमीशन एजेंट बैठे हुए, कितना भी झूठ बोलो यात्रियों से ज्यादा पैसा चढ़वा, तो ज्यादा पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको ठाकुर जी की कृपा हुई है, भगवान का प्रेम से दर्शन करना, भाव से जो बने यथाशक्ति वहाँ देके, और फिर मैं आपको आगे का दर्शन दिखाता हूँ। बोलो राधे राधे, राधे।